असलम सेकेंड ईयर का चैप्टर सेवन का टॉपिक फाइव है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रैकिंग पायरो भी इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन क्या है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स अ वराइटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलाटाइल लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिनकी चेन लेंथ बड़ी हो ज़्यादा हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तो उनको अपने थर्मली ब्रेक डाउन करना है इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन में जो ज़्यादा वोलट होंगे इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे ही उनमें से बहुत से वेपर्स बनेंगे तो उसका मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन है एक सिंपल सी सिक्सटीन एच थर्टी फोर ठीक है हेक्जा है हमारे पास इसको अगर हम सेवन हंड्रेड सेल्सियस पे जो है हीट करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है सी सेवन एच सिक्सटीन हेप्टेन प्लस हमारे पास इथीन के तीन मालिक्यूल्स बनते हैं प्लस हमारे पास एक मालिक्यूल प्रोपीन का बनता है तो ये बड़ा हाइड्रोकार्बन था कार्बन कार्बन की चेन लेंथ जो थी वो सोलह कार्बन पर मुश्तमिल थी तो उसको सेवन हंड्रेड पर जब हमने हीट किया तो उससे हमारे पास छोटे मालिक्यूल्स आ गए स्मॉलर हाइड्रोकार्बन तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा क्रैकिंग कहलाएगा बांड इन लॉन्ग चेन आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस स्मॉलर मालिक्यूल जो लॉन्ग चेन में बाड हैं वो ब्रेक डाउन हो गए उनके वो टूटेंगे तो उससे छोटे मालिक्यूल्स बनेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग टेक्स प्लेस ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोडक्ट आपके पास आता है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपने कंडीशंस कौन सी अप्लाई की हैं टेम्परेचर है कैटलिस्ट है, है या स्टीम है किस की प्रेजेंस में आपने क्रैकिंग की है उस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है हमारे पास पहला है थर्मल क्रैकिंग अब नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हीट यूज़ होगी ठीक है ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर एच को मैंने हायर हाइड्रोकार्बन एच मतलब हाइड्रोकार्बन इन टू लोअर हाइड्रोकार्बन, एच सी हाइड्रोकारबन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में हायर हाइड्रोकार्बनस को ब्रेक डाउन करना उसे हम क्या कहते हैं थर्मल क्रैकिंग ये किस लिए इंपॉर्टेंट है यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अन सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन एच एज इथीन एंड प्रोटीन ये एम सी की उसके लिए भी याद रखना है कि थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है इथिन एंड प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग कैटालिटिक मतलब टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा ठीक है कैटलिस्ट सॉरी कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो याद रखें जो बाकी हार्श कंडीशन होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं लाइक टेम्परेचर है या प्रेशर है हमारे पास सिंपल क्या है टेम्परेचर 500 सेल्सियस है प्रेशर 2 एटीएम है और कैटलिस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन एट लोअर टेम्परेचर फाइव हंड्रेड सेल्सियस कम्पेरेटिवली थर्मल क्रैकिंग से ये टेम्परेचर क्या होगा लो होगा थर्मल क्रैकिंग में फाइव हंड्रेड से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बासबुक्स में नाइन हंड्रेड तक भी लिखा होता है तो उस टेम्परेचर तक इसे हीट किया जाता है एंड प्रेशर टू ए टी एम प्रेशर थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादा प्रेशर रखता रखना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ज़्यादातर जो कैटलिस्ट वो सिलीका और एलोमिनम यूज़ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं जी हायर हाइड्रोकारबनस को लो टम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में ब्रेक डाउन करना वो क्या कहलाते हैं हमारे पास कैटेटिक रेटिंग और इसका फ़ायदा क्या है गैसोलिन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर जो आपके पास प्रोडक्ट आता है ना उसका ऑक्टेन नंबर गैसोलिन जो बनती है पेट्रोल बनता है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और दूसरा गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो गैसोलीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ये आगे हम टॉपिक एक आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है आपका कि कौन सी टाइप ऑफ क्रैकिंग से हमें गुड क्वालिटी या हायर हाइड्रो ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन uh, मिलती है या पेट्रोल मिलता है स्टीम क्रैकिंग इससे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे स्टीम इन्वॉल्व होगा इन दिस प्रोसेस हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज आर मिक्स विद स्टीम फॉर शॉर्ट पीरियड टू नाइन हंड्रेड सेल्सियस एंड कूल्ड रेपडली स्टीम क्रैकिंग में क्या करते हैं जो हाइड्रोकार्बन है उनको वेपर फेज में लिया जाता है और फिर स्टीम के साथ उन्हें मिक्स किया जाता है और शॉर्ट टाइम के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर पर कितने नाइन सेल्सियस पर गर्म किया जाता है उसके बाद उसे फ़ौरन से जल्दी से रेपडली कूल कर लिया जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टीम क्रैकिंग सूटेबल है ये किस लिए फॉर लोअर अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन लोअर अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन अगर चाहिए तो उसके लिए स्ट्रीम क्रैकिंग भी अच्छी है नेक्स्ट है हमारे पास के जो क्रैकिंग हम कर रहे हैं पेट्रोलियम की ये क्यों कर रहे हैं ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या ज़रूरत नीड इसकी क्या है याद रखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पेट्रोलियम की हमने की थी उससे ट्वेंटी परसेंट हमें गैसोलीन मिलती है ये एम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने परसेंट गैसोलीन आता है तो वो सिर्फ आता है हमारे पास ट्वेंटी परसेंट और हायर गैसोलीन जो है उसकी नीड ज्यादा है पेट्रोल ज्यादा है तो उस पेट्रोल को नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है क्रैकिंग करनी पड़ती है हायर हाइड्रोकार्बन जैसे कि कैरोसिन ऑयल है या गैस ऑयल है ठीक है उनको गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसे क्योंकि कैरोसिन ऑयल वग़ैरह या बाकी जो हैं उनकी जो यूज़ हैं ठीक है वो कम है और पेट्रोल की यूज़ जो है वो ज़्यादा है तो इस वजह से हमें जो कैरोसिन ऑयल वग़ैरह है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें उसके अलावा जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं लाइक इथीन प्रोपीन ब्यूटीन बेंजीन वगैरह इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है एज़ अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास उसमें से कुछ एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं जी हमें ड्रग्स बनाने हों प्लास्टिक्स डिटर्जेंट्स फर्टिलाइज़र एल्कोहल फिनोल एट्सट्रा ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है हमारे पास जो क्रैकिंग की मदद से या वजह से हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स आते हैं ना उनको भी हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं हायर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए तो सिंपल सा ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट में या एम में जो चीज़ें आएंगी वो मैंने आपको बता दी हैं तो ये आपने अच्छी तरह टॉपिक याद करना है स्टूडेंट्स हाफिज़